आर्सेनिक की बात हुई थी, आर्सेनिक एल्बम भी एक आम मारूफ दवा है, इसको आमतौर पर पैलिएटिव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पैलिएटिव से मुराद है जो बीमारी की शिद्दत में कमी पैदा करता है, जो चीज बीमारी की शिद्दत में कमी पैदा करती है उसको पैलिएटिव कहते हैं। तो आर्सेनिक को कैंसर में जो बेचैनी पैदा होती है, जो नींदें उड़ती हैं और कई किस्म के तवहमात और फिक्रें, और फिर सोजिश पैदा होती है कैंसर से, इन सब चीज़ों में आर्सेनिक मुफीद है, मगर पैलिएटिव के तौर पे। और अगर इसको ऊंची ताकत में दिया जाए जबकि मरीज आखिरी दमों में हो, तो इतना जल्दी सुकून पैदा करती है कि कोई और दवा इसका मुकाबला नहीं कर सकती। 1,00,000 ताकत में बाद मरीजों को मैंने दिया है। आम बाज डॉक्टर कहते हैं कि अगर इसको दोगे तो फिर मरीज मर जाएगा जल्दी, आराम से मरेगा, ये गलत है। आर्सेनिक से मरीज नहीं मरा करता। आर्सेनिक मैंने हर किस्म के कैंसर के मरीजों को देके देखा है, आराम देगी और मौका दे देंगी आपको कि वो दवा के आप उसका इलाज तसल्ली से कर सकें। लेकिन अगर टर्मिनल हो गया हो, आखिरी इलामतें आ गई हों और एक किस्म का मौत का फैसला सादिर हो चुका है, उस वक्त आर्सेनिक की एक ऊंची ताकत की दवा, एक खुराक जादू की तरह काम करती है। सब तकलीफें ख़त्म, सब खौफ ख़त्म। हमारी अपनी एक अहमदी खातून पीछे चंद साल पहले वफात हुई उनकी, उनके मुताबिक मुझे उनका बच्चों का फ़ोन आया कि यह हालत है, सख्त बेचैनी, बड़ा कर्ब है और आखिरी दम है। तो जो डॉक्टर दवाइयाँ देते थे वो जितनी दे सकते थे दे चुके हैं। तो मैंने उनको कहा कि आप फौरी तौर पर आर्सेनिक एल्बम जो मैंने पहले ही लिखवाई हुई थी वहाँ CM में एक खुराक दे दें। और उसके बाद फिर इतला मिली कि यूँ मालूम होता है कि जादू सा हो गया है, हल्की वनूदगी, नींद उड़ी हुई थी बिल्कुल, पुरसकून नींद आ रही है, आंखें खोलती हैं, बात करती हैं, कहती मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन डूब रही थी साथ साथ। तो 24 घंटे के अंदर वफात हुई, मगर पूरे इत्सुकून के साथ, बच्चे भी उस पर बहुत मुतमिन खुश। तो ये वो दवा है जो मैंने इस्तेमाल करके देखी है, इसमें ये लाजिमन असर है। और कैंसर की दर्दें, अगर वो ख़ास तौर पर हड्डियों के कैंसर से शुरू हुआ हो, कैंसर लंग्स में हो, किसी और जगह हो, हड्डियों के कैंसर के दर्दों में जो फैल चुका हो, ऑक्जैलिक एसिड से बेहतर कोई दवा नहीं। ऑक्जैलिक एसिड 30 में मेरे तजुर्बे में है कि खुदा के फल से ये भी जब असर दिखाती है तो फिर जादू की तरह और पूरा काबिल एतमाद, यानी कि आज दिखाया कल ख़त्म हो गया। जब दर्द लौटेगी उसकी एक खुराक आप मुंह में रख दें, डाल दें और बिला ताखीर फौरन दर्द गायब, जैसे थी नहीं। तो ये बहुत ही आला दवा है। इसके अलावा मैंने इस्तेमाल करके देखी है पेट के दर्दों में, जहां और कोई दवा हाथ में आ रही हो और मरीज काबू से बाहर निकला जा रहा हो, शदीद दर्द हो, उसमें भी ऑक्जैलिक एसिड चोटी की दवा है।